नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सर्वन जीएस क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, देखे थे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, एक छोटे से कण से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। आज हम लोग उससे आगे चर्चा करेंगे, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इन सब चीजों को लेकर के हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग जानेंगे कि इस ब्रह्मांड में अगर एक खगोल पिंड, खगोल मतलब ब्रह्मांडीय पिंड, यानी इस ब्रह्मांड में जितना भी एक ग्रह है, दूसरा ग्रह है, गैलेक्सी है, धूलकण, इन सबको मापने की इकाई को देखेंगे। यहाँ पे तो हम लोग फीता लेकर के किलोमीटर में माप नहीं सकते हैं, वहां पे बड़ी इकाई का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या किया है, जैसे केजी है, तो एक एक हजार ग्राम को, मतलब एक हजार ग्राम बराबर क्या होता है, एक केजी होता है। तो हम लोग क्या किए, एक हजार ग्राम को डायरेक्ट एक केजी बोल दिए। अब इसी में हम लोग पांच केजी ले लेते हैं, एक पसेरी हो जाता है। उसी तरीके से 100 केजी हो जाता है, हम लोग एक मतलब क्विंटल बोल देते हैं। इसी तरह से 1000 केजी हो जाता है, यानी 10 क्विंटल हो जाता है, तो हम लोग एक टन कह देते हैं। उसी तरीके से ब्रह्मांड में दूरी मापने की भी इकाई को हम लोग बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग उसी को देखेंगे। हम लोग ब्रह्मांड की परिभाषा देख लिए थे, परिभाषा में हम लोग देखे कि क्या सूक्ष्म कण से लेकर के महाकाय आकाश पिंड, यानी जितना भी बड़ा आकाश पिंड है इस ब्रह्मांड में, उन सब के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कि जितना भी चीजें हैं, एक छोटा से कण से लेकर के बड़ा से बड़ा पिंड तक, किसमें है, ये ब्रह्मांड में है। तो ये चीजें हम लोग चर्चा किए थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में आपको बताए थे बिग बैंग सिद्धांत, जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया है। उसके बाद आपको दोलन सिद्धांत बताए थे, स्थिति सिद्धांत बताए थे, ठीक है, उन सब के बारे में बता दिए थे। आज हम लोग देखते हैं दूरी मापने की इकाई को चर्चा करेंगे, हिग्स बोसन को चर्चा करेंगे, ये सर्न को भी चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आकाश गंगा को भी आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर नेबुला, कृष्ण छिद्र, इन सबके कृष्ण छिद्र को हम लोग ब्लैक होल कहते हैं, इसी को हम लोग ब्लैक होल कहते हैं, ठीक है। तो जानेंगे इस ब्लैक होल के रहस्य के बारे में कि ये क्या है, ठीक है, कि ये कितना बड़ा होल है जो जिसके बारे में अभी तक जानकारी ही नहीं दे लोगों को, ठीक है, या वैज्ञानिकों को। चलिए तो सबसे पहले ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई को हम लोग देखेंगे। देखिए दूरी मापने की जो इकाई है इस ब्रह्मांड में, जितना भी खगोल पिंड है, ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर स्थित है। तो देखिए जब बहुत दूर दूर स्थित है ये जितना भी कण है, तो अब इसको एक एक करके समझते हैं हम लोग। देखिए जैसे हम लिखे हैं, सबसे छोटी इसमें खगोल इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अंग्रेजी में आप लोग लिख लीजिएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, खगोल इकाई। खगोल इकाई का मतलब क्या होता है, ये सबसे छोटा इकाई है इसमें मापने के लिए। देखिए अब जो हमारा, मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारा सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ वलयाकार कक्ष में, यानी अंडाकार कक्ष में पृथ्वी चक्कर काटती है, चक्कर आठ ग्रह काटती है, खाली पृथ्वी को लिए। अब देखिए जब पृथ्वी चक्कर काटती है, कभी यहाँ जब रहती है तो अधिक दूरी, यहाँ पे कम दूरी, ठीक है। तो देखिए यानी कि सूर्य से पृथ्वी का जो सबसे अधिक दूरी है ये है 15.21 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, ठीक है, करोड़ किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिकतम दूरी ये क्या है आपका, अधिकतम दूरी। जो आपका सबसे न्यूनतम दूरी है, जब मतलब कि जब पृथ्वी घूमती है वह अंडाकार कक्ष में, तो जब सबसे नजदीक रहती है, तो उस समय जो पृथ्वी का दूरी होता है ये होता है आपका 14.70 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, यानी 14 करोड़ किलोमीटर और 70 लाख किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया सबसे अधिकतम सबसे न्यूनतम। जो आपका मतलब कि जो औसत है, एवरेज दूरी, यानी कि सबको मिलाकर के जोड़ दीजिए, औसत निकल जाता है, तो औसत दूरी जो है पृथ्वी का, ठीक है, औसत दूरी, औसत दूरी कहीं कहीं पे आपका देता है 14,96,000 किलोमीटर, लेकिन कहीं कहीं देता है 14,98,000 किलोमीटर, यानी 14.98 करोड़ मतलब कि किलोमीटर, 14.98 करोड़ किलोमीटर डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 14.96 करोड़ किलोमीटर भी दे देता है, जो हम यहाँ लिखे हैं, ठीक है, 14.96 करोड़ किलोमीटर नहीं, तो कहीं कहीं 98 रहता है, कहीं मतलब अधिकतर आपको 98 मिलेगा, ठीक है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, एक खगोल इकाई जो है आपका, यही पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को एक खगोल इकाई कहा जाता है। ये देखिए पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को क्या कहा जाता है, एक खगोल इकाई, ठीक है। इसको 1.5 × 10⁻⁷
8 किलोमीटर ले लीजिए, अगर मीटर में लिखना है तो यहीं पे आप 30 और बढ़ा दीजिए तो पावर 8 के जगह क्या हो जाएगा 11, तो मीटर में बदल जाएगा वो, ठीक है। तो यही ये 1.5 × 10⁻¹⁸ किलोमीटर, ठीक है। इसी में अगर एक स्टोन ऐसे किलोमीटर में लेना है तो 14.98 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक खगोल इकाई, हम लोग इसको आधार मान लिए मापने का, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से आप मान लीजिए कि इसी तरह मान लीजिए ये आपका सुई है, ठीक है, सुई है। अब इस सुई से एक यहाँ पे दूसरा सुई है, दूसरा सुई। अब यहाँ से अगर यहाँ तक मापते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मापते हैं मान लीजिए 14 × 28 और उधर 29, यानी 29 या 30 करोड़ किलोमीटर समथिंग में मिलेगा। तब हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, एक इस सुई से इस सुई की, यानी ये एक सुई है, ये बी सुई है, ठीक है। तो ए सुई से बी सुई की दूरी अब देखे 14 और 30 करोड़ किलोमीटर है, या 98 यानी कि समथिंग में, तो यानी कि 2 समथिंग में जो भी आए 89 खगोल इकाई, इतना दूरी है इसका। तो यही हो गया आपका एक खगोल इकाई, ठीक है। अब देखे एक होता है आपका प्रकाश वर्ष, ये लाइट ईयर क्या होता है, LY लाइट ईयर इसको अंग्रेजी में, ठीक है। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष का मतलब होता है एक साल में प्रकाश जितना दूरी तय करेगा उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। अब इन सब चीजों का यूज होगा, आगे यूज होगा, इसीलिए अब एक प्रकाश वर्ष बराबर यानी एक साल में लाइट जितना दूरी तय करता है उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, एक साल में। अब सोचिए, अब जो लाइट जो है, लाइट की गति कितना है, 1 सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर जाता है। देखिए लाइट की गति क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि आप लाइट को जलाइए और वो 3 लाख किलोमीटर चल जाएगा, जलाए और 3 लाख किलोमीटर। आप सोचिए एक मिनट में कितना दूरी तय करेगा लाइट, और उससे भाग गुना कर दीजिए 60 से, एक घंटा में कितना 60 से। अब सोचिए 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट जाता है, जैसे जलाते हैं और कितना पता नहीं चलता है, ठीक है। अब सोचिए कि एक साल में लाइट कितना दूरी तय करेगा, उसी दूरी को हम कहेंगे प्रकाश वर्ष। तो लाइट जो है एक साल में कितना दूरी तय करता है, 9.46 × 10⁻½ किलोमीटर, या इसी को मीटर में लिखना है तो 15 मीटर, ये पूछता है इसीलिए लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी एक साल में लाइट द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है, और एक मतलब साल में कितना जाएगी वो आप ही लोग गुना कीजिए, तो ये इसको गुना करके देखिए कितना आता है, 9.46 × 10⁻¹² दे करके कीजिए गुना, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए ये हो गया प्रकाश वर्ष। अब देखिए एक पार्सेक बराबर क्या होता है, ठीक है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर होता है एक पार्सेक, ठीक है। ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे आपको बोले 1 kg 5 kg मिला करके पसेरी कह देते हैं, उसी तरह 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 1 पार्सेक हो जाता है, ठीक है। 1 पार्सेक अगर मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लेंगे तो 1 प्रकाश वर्ष में जो है इतना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, 63,240 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1 प्रकाश वर्ष, और 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 1 पार्सेक होता है। ये आपका ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई है, ठीक है। ये अब आप लोग इसको लिख लेंगे, इसका यूज होगा, ठीक है। अब कहाँ होगा तभी आपको बताएंगे, ठीक है। अब चलिए ये आपका दूरी मापने की इकाई क्लियर हो गया। अब देखिए हिग्स बोसोन क्या है, ठीक है। देखिए हम एक एक करके चर्चा करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मेरा कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लीजिए ये ब्रह्मांड है, ठीक है, तो ब्रह्मांड के अंतर्गत बहुत सारे गैलेक्सियां हैं, और गैलेक्सी कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार की आपको चर्चा कर दिए हैं, कुछ दीर्घवृत्त आकार है, कुछ निश्चित अनिश्चित आकार का है, कोई जिसका आकार ही नहीं है, इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे, सबसे पहले हम इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को देखे, कैसे हुआ क्या बना। ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या है, गैलेक्सी है, तो हमको गैलेक्सी पढ़ना है अब, लेकिन गैलेक्सी पढ़ने से पहले कुछ दूरी की इकाई को जान लेते हैं, जैसे हिग्स बोसोन क्या है ये जान लेंगे, तब हम इस गैलेक्सी को या आकाशगंगा को पढ़ेंगे। तो पहले ब्रह्मांड होगा, फिर आकाशगंगा होगा,
फिर देखिए अगर आपको ऊपर से नीचे सजाने के लिए दे दिया जाए तो आप कैसे, ब्रह्मांड सबसे पहले होता है, ब्रह्मांड के नीचे क्या हो जाएगा, आकाश गंगा, क्योंकि बहुत सारे आकाश गंगा मिलकर के क्या बनाए हैं, ब्रह्मांड। और आकाश गंगा में क्या होता है, बहुत सारे तारे, तो आकाश गंगा से नीचे क्या हो जाएगा, तारे न। और तारे ही तो सौरमंडल का निर्माण करता है, सौरमंडल का निर्माण करता है। और सौरमंडल में सबसे बड़ा यही तारा या सूर्य, इसी को। अब सौरमंडल में क्या होता है, ग्रह, ग्रह से नीचे क्या होता है, उपग्रह, उपग्रह से नीचे क्या होता है, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह के बाद उल्का पिंड, धूल कण। तो ये आपका सजावट है इसका। तो सबसे पहले हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखे, सबसे पहले क्या देखना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का कॉन्सेप्ट है, पहले जन्म, फिर जन्म के बाद बढ़ा क्या क्या किया ना। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितना बड़ा है ये देखें, ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई को देखें। अब हम लोग देखें उसके बाद कई को बेटा को जन्म दिया, तो उसका बेटा कौन, आकाश गंगा। आकाश गंगा के बारे में पढ़ेंगे, तो आकाश गंगा पढ़ने, आकाश गंगा के बारे में पढ़ने से पहले जो है ब्रह्मांड का जो कुछ दूरियों को देख लेते हैं, ठीक है। तो दूरी को हम लोग देख लिए। अब देखे हिग्स बोसन क्या है, हिग्स बोसन जो है ये पदार्थ निर्माण का सबसे आधारभूत, सबसे छोटा कण आज तक माना गया है, हिग्स बोसन है। ये जो आपका हिग्स बोसन है, यानी इस दुनिया में जितना भी पदार्थ का निर्माण हुआ है उन सब का छोटा कण माना गया, आधारभूत कण माना गया है। इसी से सब चीज का ये ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ है। और ब्रिटिश वैज्ञानिक थे हिग्स, हिग्स ने 1924 में यह अवधारणा प्रस्तुत किया था, ठीक है। यानी कि इसके बारे में, हिग्स बोसन के बारे में, ये मतलब कि जितना भी कण ब्रह्मांड जो बना है वो छोटे छोटे कण से बना है, वो जो सबसे छोटा कण है उसी को हिग्स का, हिग्स बोसन कहते हैं। हिग्स बोसन क्यों कहते हैं, क्योंकि उस अवधारणा को किसने बताया, हिग्स बोसन, हिग्स नामक वैज्ञानिक ने बताया, हिग्स नामक वैज्ञानिक ने बताया कि ये मतलब कि पूरी ब्रह्मांड के निर्माण इसी हिग्स बोसन कण से हुआ है। ये कब बताया, तो हिग्स ने 1964 में बताया, ठीक है, ये कण के बारे में, इस कण के बारे में बताया। और ये अवधारणा जो दिया था एक भारत के वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस, उसी के थ्योरी पर आधारित, ये जो हिग्स ने यह संकल्पना दिया कि आज तक जो ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड बना ये छोटे से कण से बना, और वो छोटा कण जो शुरुआती में हुआ करता था हिग्स बोसन, इन्होंने इस मतलब संकल्पना को दिया, इसलिए उस छोटा कण को क्या कहते हैं, हिग्स बोसन। और इन्होंने जो अवधारणा दिया वो भारत का एक वैज्ञानिक था सत्येंद्रनाथ बोस, इसी के थ्योरी से दिया था, सत्येंद्रनाथ बोस की थ्योरी से दिया था, ठीक है, इसी की थ्योरी से उन्होंने हिग्स बोसन को दिया था। और इसी हिग्स बोसन को एक वैज्ञानिक है लियोन लैंडरमैन, इन्होंने उसको गॉड पार्टिकल कहा है, ठीक है, इसी हिग्स बोसन, हिग्स बोसन को गॉड पार्टिकल कहा है, लियोन लैंडरमैन, लैंडरमैन गॉड पार्टिकल क्यों कहा, इन्होंने क्या कहा है उसी सबसे छोटा कण को, गॉड पार्टिकल, पार्टिकल कहा है। देखिए गॉड पार्टिकल का मतलब क्या, गॉड मतलब भगवान और पार्टिकल का मतलब कण, यानी कि अब इससे छोटा कण दुनिया में कोई नहीं है, यही कण से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इसीलिए इसको गॉड पार्टिकल, इससे छोटा कण हो ही नहीं सकता है, इसीलिए इसको गॉड पार्टिकल दिया, नाम दिया, ठीक है। अब देखिए, अब इसी को, यही गॉड पार्टिकल के बारे में जानने के लिए, इसके रहस्य के बारे में जानने के लिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो आज से पहले हुआ था इस सबसे छोटा कण से, इस छोटा कण से भी और कोई छोटा कण हो सकता है क्या, इनके रहस्यों को बारे में जानने के लिए एक रिसर्च किया था, उस वही है सर्न, इसको अंग्रेजी में आप CERN सर्न, ठीक है। ये जो है आपका सर्न, इन्होंने सर्न का जो फुल फॉर्म है यूरोप सेंटर फॉर रिसर्च, सर्न यूरोप सेंटर फॉर रिसर्च है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। अब देखिए, अब यही सर्न नामक संस्था ने, अब देखिए आप तो ये गॉड पार्टिकल के बारे में बताया, अब देखिए आप सर्न के बारे में बताते हैं, ठीक है। आप लोग 2012 में भूकंप के बारे में तो सुन ही होंगे कि 2012 में पृथ्वी खत्म होने वाला है, ये क्यों कहा था, ठीक है। तो वही सर्न नामक संस्था ने क्या किया था, CERN यूरोप सेंटर फॉर रिसर्च,
देखिए इन्होंने ये स्वर्ण जो है यूरोप सेंटर फॉर रिसर्च एक संस्था है, इन्होंने क्या किया था इस मतलब गोल्ड पार्टिकल के बारे में जानने के लिए कि ये जो गोल्ड पार्टिकल है इससे भी कोई छोटा कण है या इसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इन सब चीजों को जानने के लिए 2010 में LHC लार्ज हैड्रॉन कोलाइड नामक रिसर्च किया था। सर ने क्या किया था LHC लार्ज लार्ज हैड्रॉन कोलाइड इस नाम से एक, अब देखिए समझिएगा अब जो है यानी कि मतलब ये जो आपका गॉड पार्टिकल है ठीक है, अब ये सबसे छोटा कण है, अब इसी के बारे में सर्न नामक संस्था ने एक प्रयोग किया, क्या किया लार्ज हैड्रॉन कोलाइड नाम से प्रयोग किया। प्रयोग में उन्होंने क्या किया था 2010 में उन्होंने ये प्रयोग किया था 2010 में ठीक है। प्रयोग में क्या किया था मान लीजिए हमारा पृथ्वी है ठीक है, जेनेवा में ये प्रयोग किया था, ये कहाँ पे किया था जेनेवा में किया था ठीक है। जेनेवा में उन्होंने क्या किया था एक 100 फीट पृथ्वी के अंतर्गत 100 फीट का गड्ढा किया, 100 फीट का गड्ढा किया और गड्ढा करके इसी के अंतर्गत 27 किलोमीटर का मतलब 27 किलोमीटर ठीक है 27 किलोमीटर का सुरंग बनाया, 27 किलोमीटर का सुरंग बनाया और उसी सुरंग में उन्होंने सबसे छोटे कण को लाइट की गति से टकराने का प्रयास किया, सबसे छोटे कण को लाइट की गति के गति से प्रयाने मतलब टकराने का प्रयास किया और ये प्रयोग जो किया ठीक है इसके ही परिणाम में 2012 में हिग्स बोसन का मिलते जुलते कण मिला था ठीक है 2012 में ठीक है। इसे अब देखिए कहा जाता है कि सबसे छोटे कण जो है गॉड पार्टिकल उससे जो है उन्होंने लाइट की गति कितना है 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड उस गति से उस कण को टकराने का प्रयास किया कि उससे भी छोटा कोई कण हो सकता है क्या या ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुआ होगा ये बिग बैंग फिर से इस बिग बैंग को दोहराने का प्रयास किया था और इसीलिए इसमें बहुत बड़ा खतरा था कि हो सकता है कि पृथ्वी जो है विनाश हो जाए, पृथ्वी एक स्थान से दूसरे स्थान खिसक जाए, इसीलिए 2012 में जो है हल्ला हो गया था पृथ्वी में भूकंप आने वाला है पृथ्वी विनाश होने वाला है, यही रिसर्च किया था जेनेवा में यूरोप ठीक है। अब देखिए यही और ये जब रिसर्च किया तो इसी से सब एटॉमिक पार्टिकल की प्राप्ति किया, यही रिसर्च से जो है क्या प्राप्त हुआ सब एटॉमिक पार्टिकल की प्राप्ति हुआ ठीक है। ये 2012 में सब एटॉमिक पार्टिकल की प्राप्ति हुआ यही सर नामक संस्था ने किया था। आज यूरोप सेंटर फॉर रिसर्च जो सर्न है ठीक है ये मतलब के भूगोल में या भौतिकी हेतु विश्व में जो है जितना भी मतलब बड़ी बड़ी जो प्रयोग होता है ये प्रयोगशाला है और इसका स्थापना जो सर्न की जो स्थापना ये तो एक प्रयोगशाला है ठीक है और ये भूगोल से संबंधित जितना भी प्रयोग होता है ये प्रयोग करता है, इसकी स्थापना 29 सितम्बर 1954 को हुआ था, इसका स्थापना जो है 29 सितंबर 1954 को बाद भारत इसका जो सदस्य बना 2017 में भारत इसका सदस्य बना ठीक है। और इसका मुख्यालय जेनेवा में है ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है मुख्यालय इसका जेनेवा में है जेनेवा शायद दोस्तों स्विट्जरलैंड में है या फिर नीदरलैंड में, स्विट्जरलैंड में ही है शायद आप एक बार देख लेंगे ठीक है जहां पे है जेनेवा आप यहां पे ये देखिए ये यूरोप है, यूरोप में आपका देखिए फ्रांस है यहां पे ऊपर में दो देश है नीदरलैंड ठीक है और यहां पे है तो आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा ये आपका सर्न। अब हम जानेंगे आकाश गंगा के ठीक है, अब समझिए आकाश गंगा को ठीक है। अब लास्ट में है आपका 4-5 मिनट और हम लोग देख लेते हैं ठीक है, फिर हम लोग कल पूरा क्लियर कर लेंगे इसको
आकाश गंगा को पहले देखें। आप लोग लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं तो आप लोग का ज्योग्राफी में एक घंटा से प्लस का वीडियो बनेगा, लेकिन आप लोग पसंद ही नहीं करते हैं, आप लोग बड़ा वीडियो, ठीक है। देखिए मेरा मकसद है कुछ सिखाना आपको, ठीक है, यही होगा, लंबा क्लास जाएगा, ठीक है, यानी कि जितना क्लास होना चाहिए 100 क्लास के बदले 150 क्लास बनेगा, तो यही होगा थोड़ा सा, लेकिन आप लोग कंटिन्यू रहिए, धीरे धीरे आप लोग वीडियो जैसे जैसे देखने लगेंगे हम भी पढ़ाने लगेंगे, ठीक है, आधा घंटा एक डेढ़ घंटा का वीडियो बनाएंगे। मेरा मकसद है आपको सिखाना, अगर आप सीखते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है, ठीक है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप एग्जाम पास कर दे, नहीं, जिंदगी पास नहीं की, एग्जाम पास कर करके कुछ नहीं होता है, अगर आप जिंदगी में लाइफ में पास नहीं हुए, ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं, क्या उनके घर में समस्या नहीं है? समस्या सबके यहाँ है, समस्या का निदान एक ही लोग कर सकता है, एक ही चीज कर सकता है, वो है शिक्षा, वो है आपकी तार्किक शक्ति। और तार्किक शक्ति या शिक्षा तब आएगी जब आप गहरे अध्ययन करेंगे, मतलब दिल लगा करके मेहनत करेंगे। दुनिया में सबको समस्या है, सबसे अधिक मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमी है, जाइए उनको 5 मिनट का समय है क्या उनके पास? नहीं है, बिजी रहते हैं, सबसे ज्यादा बिजी, 4 घंटा सोते होंगे, उतना पैसा होने के बावजूद आप जितना अय्याशी कर रहे हैं उससे वो कम कर रहे हैं, हमेशा लगे रहते हैं, ये काम है वो काम है, इधर बिजनेस में घाटा, इतना तो कहां जिंदगी में चैन कहां है? एक ही अवस्था में चैन मिल सकता है आपको, जब आप सोच समझ करके तार्किक होकर के बौद्धिक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आकाश गंगा के बारे में, ठीक है, अब देखिए, अब आपको जैसे ये ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड के अंतर्गत बहुत सारे आकाश गंगा है ना, तो अब बहुत सारे आकाश गंगा, इसमें आकाश गंगा कितने प्रकार के हैं? इसमें जो है आपका 3 प्रकार के आकाश गंगा है, पहले एक एक करके फिर चर्चा करते हैं, 3 प्रकार के, एक दीर्घवृत्त आकार और एक अनिश्चित आकार के है, एक दीर्घवृत्त आकार और एक अनिश्चित आकार के, तो एक तो आपका सर्पिलाकार और एक है आपका दीर्घवृत्ताकार और एक है आपका अनियमित आकार, जिसका निश्चित आकार नहीं है, अनियमित आकार, ठीक है। अब देखिए जो सर्पिलाकार है, सर्पिला मतलब सांप की तरह घुरा हुआ, हमारा आकाश गंगा इसी प्रकार से है, जो दीर्घवृत्ताकार है दीर्घवृत्ताकार, जो अनियमित आकार है इसका कोई आकार ही नहीं, ना चरकुट है ना गोल है, मतलब किसी आकार का नहीं, ठीक है। अब देखिए जो ये पूरा ब्रह्मांड में 80% गैलेक्सी सर्पिलाकार, हमारा भी गैलेक्सी इसी प्रकार से है, दीर्घवृत्ताकार समथिंग में 17% गैलेक्सी है, और जो अनियमित आकार का है ये आपका 3% है, अनुमानित है ये, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा गैलेक्सी है, आकाश गंगा है, इसमें क्या है, गैलेक्सी के अंतर्गत तारे हैं, ये गैलेक्सी के अंतर्गत तारे हैं। अब आपको तारे की जन्म और मृत्यु बताना पड़ेगा कि गैलेक्सी, पहले हम गैलेक्सी देखिए, जब ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तो इस ब्रह्मांड के निर्माण में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के समूह से जब गैस का द्वारे बनने लगा, 4 हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाता है, हीलियम से जो है जल का निर्माण होता है, तो वही हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के आपस में टकरा करके जो है ना, मतलब कि बहुत सारे ध्रुवों प्रकार से जो है ये आकाश गंगा का निर्माण हुआ है, यानी उस संग्रह से उनका आकाश गंगा का निर्माण हुआ है, और उसमें मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन टकरा करके जब हीलियम बना, और हीलियम मतलब जब बन रहा था उससे ऊर्जा मुक्त होता है, तब उसी से जो है आपका तारे बनेंगे, जो अगली क्लास में चर्चा करेंगे, नहीं तो तारे को स्पेशल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सर्पिलाकार गैलेक्सी है, इसके अंतर्गत तारे हैं, अब देखिए, हाँ अब देखिए ये जो हमारा आकाश गंगा है, अब देखिए आकाश गंगा कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, ठीक है। अब एक एक करके समझिए, ये इस ब्रह्मांड में अधिकतर आकाश गंगा ऐसे है, अब देखिए थोड़ा सा समझाते हैं, एग्जैक्ट नहीं, ये जो आकाश गंगा है इसका मुख 3 मतलब वो है घूर्णनशील भुजा है उसको कहते हैं, ठीक है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। 3 घूर्णनशील भुजा का मतलब मान लीजिए एक भुजा आपका ये हो गया, एक भुजा, ठीक है, एक भुजा आपका ये हो गया, ये मतलब ऐसे करके मतलब नहीं है, ठीक है, हम बता रहे हैं, मान लीजिए ये भुजा ये हो गया आपका, ये अभी समझा रहे हैं आपको,
और एक बीच में है, एक कण है, ये बीच वाला हिस्सा। अभी बता क्या है, देखिए एक भुजा ये, इसमें बहुत सारे तारे हैं, ये हो गया ठीक है, ये हो गया आपको इसमें फिगर में दिखा, एक भुजा ये हो गया आपका, दूसरा भुजा मिडिल वाला, ये भुजा हो गया, और ये बीच वाला जो केंद्र है इसको, ये बीच वाला जो है इसमें तारों का संकेंद्रण होता है, इसको बल्ज कहा जाता है, बल्ज ठीक है। देखिए ये जो आकाश गंगा है, ठीक है, ये जो आकाश गंगा है इसमें तीन भुजा है, तीन भुजा मतलब ऐसे करके ये है, ये सर्पिला का है ना, तो एक भुजा यहाँ, दूसरा भुजा यहाँ, तीसरा भुजा ये इस तरीके से है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि इसमें इस तरीके से तीन भुजा है, और जो इसका केंद्र वाला बिंदु है उसको बल्ज कहा जाता है। यहाँ पे तारों का संकेंद्रण होता है, तारे की जब मृत्यु होती है, जो आप लोग ब्लैक होल जानते हैं, उसी में जाकर के समाहित होता है, लेकिन इसको इसके अलग से समझाएंगे। अब मान लीजिए कि ये जो है आकाशगंगा है, एक आकाशगंगा में ये बहुत सारे तारे हैं, इसमें 98% तारा होता है, 98% तारा होता है एक आकाशगंगा में, 98% तारा, और 2% गैस, धूल कण, ये सब होता है। 2% इसमें क्या है, गैस है, प्लस में धूल कण है, धूल कण है एक आकाशगंगा के अंतर्गत, यानी ये आकाश में, इसमें तो सब तारे से ये भरा हुआ है, इसमें धूल कण भी तो है, इसमें गैस भी तो है, तो वो 2% है मात्र, ठीक है। अब देखिए जो हमारा जो आकाश गंगा है उसको, हमारा जो आकाश गंगा है उसको क्या कहते हैं, मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहते हैं उसको, या मिल्की वे कहते हैं, दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला या मिल्की वे, इसी को हम लोग या मिल्की वे कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, ये हमारी आकाश गंगा है, ठीक है। अब देखिए ये तीन भागों में है घूर्णनशील भुजा, जो नया तारे का निर्माण होता है, ठीक है, ये लास्ट वाला में होता है, ये अंतिम, ये मतलब जो तीसरा वाला भुजा है इसमें नए तारे का निर्माण होता है, नए तारे का निर्माण होता है, ठीक है। और जो हम लोगों का जो तारा, हम लोगों का तारा यानी सूर्य जो है, हम लोगों का दूसरा वाला मतलब की भुजा में हम लोगों का सूर्य है, आपको इसको फिगर में भी दिखाएंगे, दूसरा वाला भुजा में क्या है, हम लोगों का सूर्य है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका आकाश गंगा है, हमारा जो आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा का जो व्यास है, व्यास आप लोग समझते हैं यहां से यहां तक व्यास, ठीक है, यानी हम अब इसको मिटा देते हैं, जो हमारा आकाश गंगा का व्यास है, हम अभी आकाश गंगा के बारे में बता रहे हैं, इन सबको मिटा दीजिए, ठीक है, मिल्की वे आकाश, ठीक है, मतलब मिल्की वे या दुग्ध मेखला, हमारी आकाश गंगा, इसका व्यास 100 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष है, सॉरी 1,00,000 प्रकाश वर्ष, 1,00,000 प्रकाश वर्ष। अब सोचिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारी आकाश गंगा का व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष है, 1,00,000 प्रकाश वर्ष का मतलब हो गया, आप समझ सकते हैं लाइट 1 सेकेंड में 3,00,000 किलोमीटर जाता है, 1 साल में जितना दूरी तय करेगा वो 1 प्रकाश वर्ष, और हमारा आकाश गंगा का व्यास है 1,00,000 प्रकाश वर्ष। आप सोचिए कि हमारा आकाश गंगा कितना बड़ा है, और जो हमारा आकाश गंगा से जो हमारा सूर्य है, अब देखिए अब यहां से यहां तक व्यास हो जाए, सॉरी त्रिज्या हो जाएगा, आधा दूर तक त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना प्रकाश, मतलब 50,00,000 में 50,000 प्रकाश वर्ष त्रिज्या हो जाएगा इसका ना, और हमारा जो सूर्य है यहां से 32,000 प्रकाश वर्ष है, 32,000 प्रकाश वर्ष यानी कि प्रकाश वर्ष, तो बल्ज से यानी केंद्र से सूर्य का दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है, सोचिए कितना बड़ा। और एक गैलेक्सी जो हमारा गैलेक्सी है इसमें लगभग लगभग 100 अरब तारे है, देखिए 100 अरब तारे है, अरब तारे है। अब 100 अरब तारा है, और एक तारा के बारे में तो बताए हैं आपको कि मान लीजिए ये एक तारा है, इस तारे के पास बहुत सारे ग्रह हैं जो चक्कर काट रहे हैं, बहुत सारे ग्रह चक्कर काट रहे हैं, एक तारा का ये संरचना है, और ऐसा ऐसा 100 अरब तारा है। हमारे तारे जो है, हमारा सूर्य, उसके पास 8 ग्रह है, 1 ग्रह में जीवन है, और हम लोग आज तक मान लीजिए कि हमारा बुध शुक्र पृथ्वी, पृथ्वी के बगल में यानी 1 ग्रह यहाँ है, 1 ग्रह यहाँ है, और इसका उपग्रह इसके चारों तरफ चक्कर काटता है, आज तक हम लोग ये आपका चंद्रमा है यहाँ से सही से मनुष्य कदम नहीं रखा, सोचिए अब दूसरा ग्रह में क्या समय लगेगा,
ये सौरमंडल से निकल सकते हैं क्या? नहीं। आप सोचिए गैलेक्सी इतना बड़ा है, कैसे हम गैलेक्सी को घूम सकते हैं? तब इसका मतलब यह है इस गैलेक्सी में हमारे पृथ्वी जैसा जैसा करोड़ों पृथ्वी है, करोड़ों ग्रह है, हमारे पृथ्वी जैसा करोड़ों ग्रह है, क्या हमारा ग्रह और हो सकता है इस गैलेक्सी में बहुत सारे ग्रह ऐसे होंगे जिसमें मनुष्य रहते होंगे? हो सकता है नहीं भी होंगे। तो चाहे हम ये एक गैलेक्सी के बारे में बता रहे हैं, इस ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी है। सोचिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है। देखिए आपका दिमाग खोल करके रख देते हैं, ठीक है? अब सोचिए, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है? अब ये हमारा गैलेक्सी है, ठीक है, हमारा गैलेक्सी का ये। अब देखिए हमारे गैलेक्सी के बगल वाला, मान लीजिए ये आपका ब्रह्मांड है, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका ब्रह्मांड है ये, ठीक है, ये ब्रह्मांड, इसमें बहुत सारे गैलेक्सियां हैं, ऐसे करके हम बना लेते हैं। 80% तो सर्पिला आकार ही है, ठीक है, तो सर्पिले आकार को हम लेते हैं, और नियमित आकार का भी है ये। मान लीजिए हमारा गैलेक्सी ऐसा बना है, समझ में आए, ये वाला है, ये वाला मान लीजिए हमारा गैलेक्सी है, मतलब मंदाकिनी है, ये मंदाकिनी मिल्की वे, मिल्की वे ये हमारा गैलेक्सी है। और हमारा गैलेक्सी का सबसे नजदीक में कौन सा है? देखिए ये वाला है कि ये वाला, ये वाला नजदीक है, और ये हमारा मतलब कि हमारा गैलेक्सी का जो सबसे नजदीक का गैलेक्सी है, जो हमारा गैलेक्सी का सबसे नजदीक का गैलेक्सी है, ठीक है, वो उसका भी आकार सर्पिलाकार ही है, उसका भी आकार हमारा भी सर्पिलाकार, इसका ये भी कैसा है? सर्पिला। और हमारे गैलेक्सी से उस गैलेक्सी की जो दूरी है, ठीक है, जो हमारा बगल का गैलेक्सी उसका नाम है एड्रोमेडा, उसका नाम है एड्रोमेडा। अभी देखिएगा हमारा गैलेक्सी से इसका दूरी, एंड्रोमेडा की दूरी जो है ये है 2.2 करोड़ किलोमीटर, इसको 22 लाख प्रकाश वर्ष लिख लीजिए ना, 22 लाख प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। आप सोच सकते हैं हमारा गैलेक्सी से दूसरा गैलेक्सी की दूरी जो एंड्रोमेडा है, यह भी सर्पिलाकार है, इसकी दूरी 22 लाख प्रकाश वर्ष है, 22 लाख प्रकाश वर्ष। इसका जो हमारा प्लेन चलता है 800 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, यानी एक घंटा में 800 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, यानी एक घंटा में 1200, यहाँ तो प्रकाश एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है, बोले और 3 लाख किलोमीटर। अगर हम लोग एक सेकेंड में बोले और 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करने वाला भी प्लेन बना देंगे, तयो हमको जो है दूसरा गैलेक्सी में जाने के लिए 22 लाख साल लगेगा, 22 लाख साल। सोचिए, आप सोचने का प्रयास कीजिए, तार्किक बनिए, ठीक है। आप सोच सकते हैं इसका मतलब हम लोग भी इस पृथ्वी पर एक पिंजरे पर कैद व्यक्ति है, इस ब्रह्मांड में, क्या एक घर में कैद व्यक्ति है, इस पृथ्वी से बाहर सही से नहीं जा सकते हैं। गांव समाज में लोग तो इस पृथ्वी से ऊपर भी नहीं उठ पाते हैं, हेलीकॉप्टर का चक्का नहीं देख पाते हैं, जिंदगी भर टैक्स भरते हैं सरकार को, लेकिन हेलीकॉप्टर का चक्का नहीं देख पाते हैं। उनको क्या पता कि जो हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले आज के धूर्त नेता हैं, वो हमारे ही पैसे से हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, जो कि ठप्पा छाप है। हमारा बेटा बीए कर लिया, हमारा भाई बीए कर लिया, आज तक हम हेलीकॉप्टर नहीं देखे, लेकिन वो छप्पा छाप हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है। कब ये, कब परिवर्तित होगा, कब बदलेगा, ये बदलेगा। अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, राजा अब राजा वही बनेगा जो राजा के योग्य होगा। बदलना है समाज को, ठीक है। चलिए, जो भी रहे, हर चीज का एक शिक्षक का ही जिम्मेवारी है समाज के ऊपर। हर शिक्षक अगर ज्ञानी नहीं होंगे, जानकार नहीं होंगे, सही शिक्षा नहीं देंगे, समाज कैसे बदलेगा? नहीं बदलेगा। आज के सरकारी स्कूल का सिस्टम क्या है? 1 बेस किलो में मैं वादे के साथ कहता हूँ, पूरे बिहार में 90% शिक्षक जो होंगे वो 6 से लेकर के 8 क्लास तक के मिडिल क्लास कर जो NCERT बुक है वो नहीं पढ़ा पाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। हाँ, जो नया भर्ती हुआ है इधर 2014 में शायद हुआ है, फिर इधर हुआ था शिक्षक का भर्ती, उन सबको छोड़ करके इधर तो ठीक, वही तो 10% ठीक ठाक है, बाकी
90% शिक्षक ऐसे होंगे जो मिडिल क्लास के, जो मतलब 6 क्लास से 8 क्लास तक के एनसीईआरटी नहीं पढ़ा पाएंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, आप 6 क्लास का बुक उल्टा ये है कि नहीं है, देखिए 6 क्लास के बुक में सौरमंडल दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि ढंग से पढ़ाई ही नहीं हुआ 6 क्लास में, चाहे हम रहे आप रहे, हर कोई इसका जिम्मेवार है। ठीक है, स्कूल के शिक्षक ही जिम्मेवार नहीं है, तंत्र जिम्मेवार है। चलिए, हालांकि बहुत ज्यादा टिप्पणी करेंगे, बहुत लोग बुरे मान जाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़िए, बुरा कहेंगे कहेंगे, लेकिन सच्चाई तो यही है हमारे समाज का। चलिए, नहीं तो सब गरीब लोग जो है कि गरीब ही रह जाते हैं, और आगे बढ़ने वाले छप्पा छाप भी चक्का मतलब कि ये कर लेते हैं। चलिए जो भी है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया लेकिन कौन खोलेंगे। चलिए, एंड्रोमेडा, ठीक है, एंड्रोमेडा, तो एंड्रोमेडा के बारे में आप लोग समझ गए। अब देखिए, जो हमारे गैलेक्सी का सबसे नजदीक का गैलेक्सी, और कुछ गैलेक्सी, जैसे एक गैलेक्सी है आपका, एक मतलब नासा के वैज्ञानिक ने हबल टेलीस्कोप से खोजा है, रेलिक गैलेक्सी, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, रेलिक गैलेक्सी उसका नाम है गैलेक्सी। ये जो रेलिक गैलेक्सी है, ये रेलिक गैलेक्सी में क्या है ना कि हमारे आकाश गंगा से आकार में जो है कि एक चौथाई है आकार में, एक चौथाई यानी कि 25% है। ठीक है, यानी हम 100 है, ये 25 है, और लेकिन इसमें तारों की संख्या हमारे आकाश गंगा से दो गुना है। हमारे आकाश गंगा से तारों की संख्या इसमें दो गुना है, रेलिक गैलेक्सी में। ठीक है, तो देखिये, ये आपका गैलेक्सी के बारे में था, ब्रह्मांड के बाद आपका गैलेक्सी, गैलेक्सी में हम लोग अपना गैलेक्सी को देखें। अब गैलेक्सी के अंतर्गत तारे हैं ना, तारे हैं, तो इन तारों को हम लोग कल समझेंगे। तारे में आपका सौर मंडल, ठीक है, कृष्ण क्षेत्र कल पढ़ाएंगे, सौर मंडल, तारे, सूर्य ग्रह, उपग्रह, इन सब कल चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो लंबा बनाते हैं देखते नहीं है, नहीं तो फिर मेरा आप लोगों को बेहतर, धीरे धीरे करेंगे लंबा वीडियो, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, आप लोग देखिए, जैसा आप लोग का कमेंट कीजिए कि लंबा बनाए या नहीं बनाए। ठीक है, बहुत सारे छात्र फोन करते हैं, बहुत सारे दोस्त फोन करते हैं, सर आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और इसी तरह से मेरा क्लास करते रहिए, रिस्पॉन्स दीजिए, फिर हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे ये भी पूछते हैं कि मेरा क्लास भागलपुर में ऑफलाइन क्लास चलती है, भागलपुर उर्दू बाजार रेकाबगंज में, और एक सेंटर है मेरा पर्वती में, जो आपका अमृत जलपान है वहां पे चल रहा है दूसरा सेंटर। ठीक है, चलिए, तो ये आपका रहा, कल हम लोग इससे आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आकाश गंगा के बाद कृष्ण क्षेत्र, सौर मंडल, तारे, इन सब के बारे में कल चर्चा करेंगे, और जहां समझ में नहीं है आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।